Hi. So now we come to the private complaint proceedings. जैसे कि अभी तक देखा है कि पुलिस के पास में कोई कंप्लेंट लेकर जाता है तो वो डायरेक्टली एफआईआर करता है अंडर सेक्शन 154 बिकॉज इट इज अ कॉनेजबल ऑफेंस. लेकिन कुछ कॉनेजबल ऑफेंस ऐसे है कि जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट जाता है तो पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं कि नहीं, वो कंप्लेंट कॉनेजबल केसेस नहीं है, वो क्रिमिनल केस ही नहीं है, वो सिविल नेचर का है या उसमें कोई क्राइम नहीं है या वो लोग नहीं करेंगे करके वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं ओरली. जब ऐसा माहौल आता है देन कंप्लेनेंट को एक अच्छा वकील को एंगेज करना है या फिर इन पर्सन में रिटर्न कंप्लेंट लिखकर पुलिस स्टेशन में देना चाहिए कि ये कॉनेबल ऑफेंस है, ये सिविल केस नहीं है, कॉनेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल क्राइम किया है तो इसको मेरे कंप्लेंट को एफआईआर में रजिस्टर किया जाए करके लिख देना चाहिए और पुलिस को एक नोटिस देना चाहिए कि 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आप रजिस्टर करो, अगर नहीं करेंगे तो मैं लोअर कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करूंगी. तो वो लेटर पर्सनली लेकर जाकर पुलिस स्टेशन में देना चाहिए और वहां पे जो ड्यूटी ऑफिसर है उनको उनका इनिशियल और पुलिस स्टेशन का स्टैम्प लेकर आना चाहिए. देन वेट फॉर 7 डेज या 15 डेज आपने जो भी डाला है वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद में देन अगेन गो टू द पर्सनली गो टू द पुलिस स्टेशन, उनको बोलो कि क्या एक्शन लिया है. अगर वो पुलिस वाले कुछ रिटर्न देते हैं तो वो कॉपी ले लो, नेगेटिव रिपोर्ट कि हम नहीं करेंगे. नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है, वो लोग ओरली बोलते हैं नहीं वी हैव नॉट डन एनीथिंग, हमने कोई एक्शन लिया नहीं या हम लोग एक्शन ले रहे हैं या टाइम है अभी हम करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह. तो ऐसे जब माहौल आता है देन कंप्लेनेंट के पास एक रेमेडी है, या तो पर्सनली या फिर कोई एडवोकेट के द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. जो नियरेस्ट कोर्ट है क्राइम के वहां जाकर रिटर्न कंप्लेंट करें अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी. इस सेक्शन के द्वारा एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विद ए प्रायर टू द कोर्ट टू इश्यू ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 156(3) उसे कहते हैं, उसके लिए प्रायर करके कर सकता है. सो टू मेक दैट पर्टिकुलर दिस वन एप्लीकेशन के लिए या तो पर्सनली करिए या फिर कोई एडवोकेट को पकड़ के करिए. इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको पुलिस स्टेशन में जो रिटर्न कंप्लेंट दिया है वो जोड़ना है और नेगेटिव रिपोर्ट अगर पुलिस स्टेशन ने दिया है वो देना है. अगर नहीं दिया तो नो प्रॉब्लम, देन यू हैव टू फाइल इट बिफोर द कोर्ट. उसके बाद में द एडवोकेट विल आर्ग्यू द केस. आर्ग्यू करने के बाद में द इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड विद द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट और अदालत को यह महसूस होता है कि वो कॉनाइजेबल है देन द कोर्ट विल पास ए जजमेंट, ऑर्डर पास कर देंगे उसमें गिविंग ए डायरेक्शन टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल द एफआईआर अंडर सेक्शन 156(3). सो 156(3) में जब ऑर्डर मिलता है तो उसका कॉपी कंप्लेनेंट को लेकर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, वहां के ड्यूटी ऑफिसर या सीनियर स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर जो है उनको मिलना है, उनको जाके देना है कि भाई आप लोगों ने कंप्लेंट लिया नहीं, हमने अदालत से ऑर्डर लेके आया, नाउ रजिस्टर माय एफआईआर, मेरा एफआईआर रजिस्टर करो.
देन द स्टेशन इंचार्ज जो है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, ही विल रजिस्टर द एफआईआर। अब एफआईआर है, फाइल करने के बाद में कंप्लेनेंट को वकील को रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी वकील का कोई काम नहीं है। ये जो केस है इट्स ए कॉग्निजेबल केस और एफआईआर पुलिस स्टेशन ने लिया है, दैट मीन्स अभी स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है वो आरोपी को अरेस्ट करना और उसको सजा देना। सो पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूरा क्रिमिनल ट्रायल चलाएंगे अंडर सेक्शन 238 से लेकर 245 के अंदर। देयर फिनिशेस द प्राइवेट कंप्लेन प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, अगर 156(3) का ऑर्डर अगर अदालत नहीं देते हैं तो हो सकता है कि अदालत जो है, कोर्ट जो है, खुद ही एग्जामिन करेगी, या फिर सेक्शन 202 के तहत सीनियर इंचार्ज ऑफ द पुलिस या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस या स्टेशन इंचार्ज ऑफ द पुलिस को डायरेक्शन दिया जाएगा कि ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट कंप्लेनेंट ने दिया है इसको इन्वेस्टिगेट करके एक कॉपी हमको दे देंगे। देन ऑन द नेक्स्ट डेट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कम्स विद द रिपोर्ट। कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम में वो नेगेटिव रिपोर्ट ही लेके आएगा, बिकॉज ऑलरेडी ही हैज रिफ्यूज्ड द कंप्लेंट, उसने लिया ही नहीं था, तो पॉजिटिव रिप्लाई कभी लाएगा ही नहीं, वो नेगेटिव रिप्लाई लेकर आएगा, कहेगा कि ये कॉग्निजेबल केस नहीं है, ऐसा ऐसा करके दे देंगे। जब ऐसा आता है देन द कंप्लेनेंट के पास एक रेमेडी है, ही कैन फाइल ए प्रोटेस्ट एप्लीकेशन। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि उस नेगेटिव रिपोर्ट को अपोज करना और अदालत को यह बताना है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जानबूझकर एक टेंटेड रिप्लाई लेके आया है, एविडेंस को उन्होंने ध्यान में नहीं दिया है, जो भी ग्राउंड्स है वो सब बताना चाहिए। सो ये सब सुनने के बाद में हो सकता है ये ऑनरेबल कोर्ट जो है कि कन्वेंस हो जाएगा और 156(3) को ऑर्डर दे देवे, या फिर अदालत ही उसको इंक्वायरी करेंगे और सेक्शन 200 से लेकर 204 तक का प्रोसीडिंग चलाएंगे। इन केसेसों में, ऐसे केसेसों में कंप्लेनेंट को एडवोकेट को लेकर एंगेज करके ऐसे केसेसों को क्रिमिनल ट्रायल तक लेके जाना पड़ता है। सो ट्रायल कैसा कैसा होता है वो मैं पिछला एपिसोड में बता दिया हूं, यू कैन जस्ट गो एंड रेफर, इसलिए मैं यहां पे रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्या होगा क्या नहीं होगा, यू कैन जस्ट रेफर द क्रिमिनल ट्रायल कैसा होता है क्या होता है इन द लास्ट एपिसोड्स व्हाटएवर आई सेड। सो हियर एंड्स द प्राइवेट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स।